जानिए 154 मैचों में रैना डिविलियर्स रोहित में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोहित इस नंबर पर। नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2020 शुरू होने में अभी संशय बना हुआ है। बीसीसीआई के अनुसार आईपीएल 2020 की शुरुआत 15 अप्रैल से हो सकती है। ऐसे में आज हम आपको आईपीएल के तीन बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के आंकड़े के बारे में बताने वाले हैं कि इनमें से 154 आईपीएल मैचों के बाद किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। सुरेश रैना आईपीएल के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक है। रैना आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज भी हैं। वहीं अगर रैना के 154 मैचों की 151 पारियों की नजर डाले तो रैना ने 34.70 की औसत से 4,407 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 30 अर्धशतक और एक शतक लगाया। इसके अलावा उन्होंने 392 चौके और 168 छक्के भी लगाए हैं। एवी डिविलियर्स अफ्रीका के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते। एवी डिविलियर्स ने आईपीएल के 154 मैचों की 141 पारियों में 4,395 रन बनाए। इस दौरान डिविलियर्स ने 33 अर्धशतक और एक शतक लगाया। इसके अलावा उनके बल्ले से 357 चौके और 211 छक्के निकले हैं। रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। रोहित आईपीएल के 154 मैचों की 149 पारियों में 33.26 की औसत से कुल 4,126 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 32 अर्धशतक और एक शतकीय पारी खेले। इन पारियों में रोहित ने 345 चौके और 170 छक्के लगाए हैं। रैना डिविलियर्स और रोहित में कौन सबसे खतरनाक? दोस्तों अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इन तीनों खिलाड़ियों में रैना सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। डिविलियर्स सबसे ज्यादा शतक चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, वहीं रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर। अगर आईपीएल में सबसे खतरनाक खिलाड़ी की सूची में रैना डिविलियर्स रोहित के बारे में बात करते इन तीनों खिलाड़ियों का नाम शामिल किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।